चलो इंदौर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट आप दे पाएंगे यहाँ पर? देखिए, इंदौर में अगर बात की जाए तो मतगणना में अभी तक 24वां राउंड पूरा हो चुका है और जो बीजेपी से तुलसी सिलावट है वो 46,673 वोटों से आगे चल रहे हैं और जबकि उनकी जीत जो है लगभग तय मानी जा रही है। अब सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है क्योंकि 28 राउंड की टोटल ये मतगणना है और ऐसे में 24 राउंड पूरे हो चुके हैं और तकरीबन 46,000 से ज़्यादा की लीड जो है वो तुलसी सिलावट ले चुके हैं। तो अब फिलहाल कांग्रेस में सिर्फ मंथन का दौर चलेगा और यहाँ दूसरी और बीजेपी में जश्न का माहौल है। दीपावली के पहले बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं उनके लिए दीपावली का त्यौहार मन चुका है क्योंकि एक बम्पर वोटिंग से वो जीते हैं। जब वो कांग्रेस में थे तब भी उन्हें इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन अब चूँकि जब वो बीजेपी में आ गए हैं तब उन्हें एक बड़ी जीत यहाँ पर हाथ लगी है और तकरीबन 46,773 अभी भी 4 राउंड बाकी है। यानी कि जो बीजेपी ने प्रेडिक्ट किया था कि 50,000 से ज़्यादा वोटों से तुलसीराम सिलावट की जीत होगी और उन्हें जिताना है, तो उस जो उनका जो एजेंडा था उस पर फिलहाल बीजेपी खरी उतर पाई है और पूरा संगठन ने जो उन्हें 50,000 से ज़्यादा वोटों जिताने के लिए पूरी मेहनत की थी उसका परिणाम कहीं ना कहीं ये मिल रहा है कि 24वें राउंड के बाद 46,000 से ज़्यादा की लीड जो है वो तुलसी सिलावट ने ले रखी है और अब इसे काटना कांग्रेस के लिए न के बराबर है और सिर्फ अब औपचारिकता ही शेष रह गई है 4 राउंड के बाद जो लगभग है तुलसी सिलावट की जीत है जी। चलिए, निश्चित रूप से एक बड़ी जीत यहाँ पर तुलसी सिलावट की। किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं अब? देखिए, यहाँ तो अगर बात की जाए तो लगातार जश्न की तस्वीरें हैं यहाँ पर क्योंकि बीजेपी के अगर बात करें शहर अध्यक्ष जोहरा रणदीवे और ग्रामीण अध्यक्ष राजेश सोनकर और उनके साथ सावन सोनकर जितने भी बड़े यहाँ पर नेता हैं सब ने बाहर आकर एक विक्ट्री प्रेडिक्ट की है, यहाँ पर विक्ट्री का साइन दिया है क्योंकि अब उन्हें भी पता है कि 46,000 से 50,000 की लीड लेकर वो यहाँ पर जीत हासिल करेंगे, तो अपनी खुशी जाहिर कर चुके हैं। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर बड़ी संख्या में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो जश्न का माहौल वहाँ पर देखा जा सकता है। मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, ढोलक ढोलता से बजाए जा रहे हैं और अपनी खुशी को है जो जाहिर किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यालय पर भी एक जश्न का माहौल है क्योंकि त्यौहार की तैयारियों को लेकर अगर बात की जाए तो उसी तरीके ठीक चुनाव की जीत का जो त्यौहार है उसको भी फिलहाल यहां पर मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जैसे जैसे अब जानकारी मिल रही है वैसे वैसे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और एक बड़ी बात की अभी फिलहाल हाल ही में 2 मिनट पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी जो प्रत्याशी हैं तुलसी सिलावट उनसे फ़ोन पर चर्चा की है और उन्हें इस जीत को लेकर जो अब चूंकि उनकी जीत तय है इसको लेकर उन्होंने बधाई दी है क्योंकि इस क्षेत्र में अगर बात की जाए तो 5 बार ज्योतिरादित्य सिंधिया, 3 बार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर रैली की है, यहाँ पर सभाएँ की हैं और उसी का परिणाम निकला है कि यहाँ पर एक बड़ी जीत जो है तुलसी सिलावट के माथे जो है वो सजी है जी। चलिए, तो एक बड़ी जीत यहाँ पर तुलसी सिलावट को। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।